अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए चाम्पे, ठीक है। एक्चुअली कसाई ने पहले बनाने से पहले ना, हमने उसे बताया नहीं था कि चाम्पे बनानी है, तो उसने ऑलरेडी उसमें से काफ़ी हद तक गोश्त उतार दिया हुआ था। सो इसलिए एग्जैक्टली उस शेप में नहीं आ सकी, लेकिन ये चाम्पे नहीं है। उसके साथ क्या चाहिए जी? हमें अदरक लहसुन की पेस्ट, मैं क्योंकि पनीर बनाई यूज़ करती हूँ, कभी शान की और कभी मिर्चल्स की, ठीक है। और फिर आपको चाहिए ये 1.5 से 2 टमाटर, हरी मिर्चें, और दड़ा मिर्च जो है वो टेस्ट इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो एक सबसे एक कहने के ट्विस्ट है इसमें, वो है जी ये कोयले का पीस, क्योंकि इसकी वजह से एक बारबेक्यू टेस्ट आएगा और जो चांपों के हल्की सी स्मेल आ रही होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छा, प्याज जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ फ्राई किए हुए, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे कारफोर से, तो इजीली मिल जाते हैं 250 या 290 के अराउंड, आपको 500 ग्राम मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही यूज़ करती हूँ, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। सो चले बनाते हैं चांपे। अब इसमें डाल देंगे घी। अब घी गर्म हो रहा है और उसमें से हम लोग डालेंगे प्याज। ये प्याज है ये साथ साथ ना थोड़ा बारीक हो गया होता पैकेट में, इसको मैं थोड़ा सा और ब्राउन कर लूँगी। ये ऑलरेडी ब्राउन है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा और ब्राउन कर लूँगी और साथ ही इसमें चांपे डाल दूँगी। मैंने इसका बर्तन चेंज कर दिया है क्योंकि पतीला छोटा था, मैंने प्रेशर कुकर जो है ना उसके अंदर इसको करना शुरू किया। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे ना, ये गलने में उतना टाइम लेगी। बस इतनी इतनी सी फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ये हल्का सा ही जो ब्राउनिश कलर आ रहा है, और अब इसमें पानी डाल के और टमाटर प्याज और मिर्च जो भी है ना वो डाल देंगे, ठीक है। टमाटर मिर्चें गरम मिर्च जो मसाला जो है ना वो मैं नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ टमाटर और मिर्ची डाल रही हूँ, और मसाला जो है ना उसको थोड़ा गलने पर डाल दूँगी। पानी इतना डाला कि डूब जाए, और गलने के लिए रिक्वायर्ड पानी जो है ना वो आप अंदाजे से डाल सकती हैं। इसमें डाल दिए हैं लहसुन की पेस्ट 2 से 2.5 चम्मच, अदरक जो है वो डाला है पिसा हुआ, ठीक है, 2 चम्मच, हरी मिर्चें सिर्फ कट लगाए हैं, और 1.5 से 2 टमाटर इसमें ऐड किया, और मसाला अगर आप चाहें नमक मिर्च वगैरह जो है वो आप इस टाइम भी डाल सकती हैं। मैं ज़रा इसमें उबाल आना शुरू होगा या उस टाइम, या फिर भूनते हुए डालूंगी, तो मैं साथ साथ आपको दिखा। पानी मैंने इतना डाल दिया जिसमें ये डूबे रहे, और अब मैं डालूंगी नमक 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा रखना, और डाल दूँगी इसमें काली मिर्च। अभी मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली है, जब इसका पानी सूख जाएगा ना तब मैं मिर्च और बाकी चीज़ें डालूंगी। और आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि पानी के अंदर लाल मिर्च या हल्दी ना डालें, क्योंकि ना तो वो कलर आता है और इवन उसका टेस्ट भी वो चीज़ नहीं आ रही होती है, उड़ जाता है, ठीक है। अब इसको रख देंगे हम लोग पकने, चाहे मैं प्रेशर लगा लें, मैंने प्रेशर नहीं लगाना, मैंने हल्की आँच। पानी इसका सूख गया है, और अब इसमें हम लोग मिर्च वगैरह, दड़ा मिर्च और काली मिर्च वगैरह अगर आपने एक्स्ट्रा डालनी है तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, मसाले वगैरह डाल के तो मैं इसको भून रही हूँ, मैंने दड़ा मिर्च डाली है टेस्ट के लिए, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कोयला हो गया रेडी, और अब इसको एक कोली, स्टील की कोली के अंदर रख के सालन के अंदर रखना है। इसको मैं इसके अब हांडी के अंदर रखूँ। अब मैं इसको उठा रही हूँ, और यहाँ पर चांप रेडी हो गई है, ठीक है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत मज़े का टेस्ट आता है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही होती है इससे।